दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है Realme 12 Pro। ये अगर हम डिज़ाइन के लेकर बात करें तो सर्कुलर रिंग में कैमरे फिट चार तरीके से हैं, उस पर ऊपर एक आपको LED फ्लैश मिल रहा है। हालांकि अगर हम कैमरे की जो सर्कुलर है उसमें काफ़ी मोबाइल से मिलता जुलता है, लगभग सभी मोबाइल फ़ोन इसी तरह से रेंडर में फिट किए गए सारे मोबाइल फ़ोन के कैमरे डिज़ाइन देखे जा रहे हैं। यहाँ पर बता दूं कि जो प्रो मॉडल है इसमें डिज़ाइन और कलर के ऑप्शंस में है जैसे कि कुछ डिफरेंस है, जो प्रो प्लस है उसके भी कुछ डिफरेंस है, लेकिन डिस्प्ले का जो इसमें वेरिएंट है वो काफ़ी सेम है, चाहे वो प्रो हो या फिर प्रो प्लस हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको कि इस डिवाइस में ऑरेंज और क्रीम जैसे तीन कलर्स में हैं और फ़ोन के बैक पैनल पर पीले कलर से सेंटर पॉइंट पर स्ट्रिप बनी हुई है, उसके ऊपर कैमरा मॉड्यूल नज़र आता है और दो मॉडल वेगन लेदर फिनिशिंग के साथ है, ग्लास बैक के साथ आ रहा है। बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया जा रहा है जिसमें LED फ्लैश के साथ ट्रिपल या क्वाड कैमरा मिल रहा है। फ़ोन के फ्रंट की बात करूं तो डिवाइस में कवर एज पंच होल डिस्प्ले है, जो कि कुल मिलाकर देखा जाए फ़ोन काफ़ी पतला और अच्छा लुक नज़र आ रहा है। और यहीं पे डिस्प्ले जैसे बताया था मैंने 6.7 इंच का कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2412 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाला चिपसेट लगा रहा है, हालांकि अभी चिपसेट का नाम खुलासा नहीं किया गया है। डाटा स्टोर करने के लिए इसमें आपको चार स्टोरेज के ऑप्शन में हैं, जिसमें 6 GB है, 8 GB है, फिर 12 GB है, फिर 16 GB है। 6 GB के साथ 128 GB रैम है, फिर उसके बाद 256 GB स्टोरेज है, 512 GB है, फिर 101 TB तक स्टोरेज है, जो काफ़ी वेरिएंट में है और अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग प्राइस रखी गई है। बैटरी के बारे में, इसमें 4880 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरे की फीचर्स की बात करें तो 50 MP का प्राइमरी कैमरा लेंस और 32 MP प्लस 8 MP का लेंस लॉन्च हो रहा है। सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा लिया जा रहा है। तो इसमें Realme 12 Pro लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन में आपको बेस्ड रखे गए हैं, 14 पर बेस्ड है। अब ये चीज़ आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि प्राइस क्या होंगे, क्योंकि चिपसेट अभी खुलासा नहीं है। इसमें आपको और जो जैसे बताया जा रहा फास्ट चार्जिंग क्या सपोर्ट है इसका कुछ खुलासा नहीं, इसका प्राइस को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये ग्लोबली लेवल पे लॉन्च होगा, साथ में इंडिया मार्केट में आएगा, जो कि ऑनलाइन स्टोर के जरिए से बेचे जा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में तक के लिए, वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।